सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका राखी नेगी ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। मैं हूँ राखी नेगी, देहरादून उत्तराखंड से। तो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो हमने अपनी गाय के कमरे के लिए काफ़ी बड़े खिड़कियाँ बनाई थी, जिनमें अभी मतलब बंद करने के लिए कुछ नहीं है उसको। तो हम उसमें लगा रहे हैं पर्दे। तो मेरी मशीन निकल चुकी है, तो हम खुद सिलेंगे उसके पर्दे, जो हम कट्टों से तैयार करेंगे। मिसयूज पड़े कट्टे थे, उनको हम एक करके पर्दे तैयार करेंगे अपनी गाय के लिए, जिससे हवा भी नहीं जाएगी और गाय को ठंड भी नहीं लगेगी। तो मेरी मशीन निकल चुकी है, मैं मशीन दिखाती हूँ अपनी, जो कि 23 साल पुरानी है, जो मुझे अपने मायके से मिली थी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आधे पर्दे सिल चुके हैं, आधे हम कल सुबह सिलेंगे। तो सिलते हैं हम, थोड़ी देर में मिलते हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, गार्डन में भी खिल चुके हैं मेरे, थोड़े थोड़े फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए मेरे गार्डन के फूल, अभी तो शुरुआत है, अभी खिलने शुरू हो रहे हैं। ये सब कटिंग के द्वारा लगाया है मैंने, गेंदे के फूल। और ये है मेरी मशीन, जिसको मैंने थोड़ा धूप में रखा है, जिससे अच्छे से चलेगी फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम से चली नहीं थी। तो इसमें सिले जाएंगे गाय के लिए पर्दे। और देखिए दोस्तों, फूल दिखाती हूँ मैं आपको, अभी खिलने शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, मशीन का काम तो बाद में होगा, सिलाई का, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ एक फ्लावर, जिसका नाम है कॉटन फ्लावर। मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत ही प्यारा खिलता है। तो ये देखिए, अभी ये शुरुआत हो रही है खिलने की। मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगी कैसे ये शुरू में खिलता है और बाद में कैसा कलर देता है ये अपना। तो मैं इसकी एक वीडियो बना के अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे इस फ्लावर को बोलते हैं कॉटन फ्लावर, बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी खिलने वाला, एक खिल के ख़त्म हो गया, अब दूसरा खिलने वाला है। ये भी कटिंग के द्वारा ही तैयार किया था मैंने। दोस्तों, मैं लंच में बना रही हूँ आज कढ़ी, बिना पकौड़ी वाली। ये देखिए मेरी कढ़ी थड़क रही है। आज लंच में बनेगी कढ़ी भात। और ये धनिया लाई थी मैं गार्डन से, और थोड़ा मैंने खीरा भी कोर के रखा हुआ है, जो कढ़ी में डालूंगी और धनिया डालूंगी बाद में। तो अभी बन रहा है मेरा लंच दिन का, कड़ी थड़क रही है, उसके बाद बनेंगे चावल। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, वेट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, बड़े भाई आया है छोटे भाई की मदद करने के लिए। छोटे भाई को मिला था होमवर्क, लिपिंग आर्ट। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। और छोटे भाई से तो बना नहीं, तो बड़ा भाई आया उसकी मदद करने के लिए, 1 किलोमीटर दूर से आया है और बना रहा है। ये देखिए, इसमें कले से बनाया, थोड़ी मदद मैंने भी की है। तो अब पूरा बनाने के बाद दिखाया जाएगा आपको। मत दिखिए, आप बोल। हाय, जो इस दिन का है। ये देखो मेरे बिगड़े शैतान बच्चे।
सर्दियां शुरू हो चुकी है तो अब मिलेगी हरी पत्तेदार सब्जियां। तो आज मैं लाई हूँ अपने गार्डन से मेथी। आज रात को बनाई जाएगी मेथी आलू की सब्जी। और थोड़ा मैं लाई हूँ धनिया फ्रेश अभी गार्डन से शाम की टाइम। तो ये मेरी आज की सब्जी है तैयार। इसकी तो बनेगी चटनी और ये बनेगी आलू मेथी की सब्जी। देखिए मेथी कितनी निकल चुकी है मेरे गार्डन से, देखती हूँ मैं कितना बनाती हूँ। तो आज बनाई जाएगी मेथी की सब्जी। मेथी चाकू दोस्तों आप भी लीजिए मजा हरी सब्जियों का। देखिए क्या अच्छी हरी सब्जी हो रखी है मेरी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही खत्म करती हूँ। राधे राधे, नमस्ते।